ये मुझे लगता है कि सबसे छोटी जनरेशन यहाँ पर है। क्या बोला अभी आपने, मैंने जब सवाल किया? बीजेपी आएगी दिल्ली में, बीजेपी आएगी। क्यों आएगी? क्यों नहीं आएगी? जब योगी जी ने यूपी का इतना ज्यादा उसको प्रोग्रेस करा दी, तो फिर दिल्ली में क्यों नहीं आ सकती? दिल्ली में भी तो आ सकती है, क्यों नहीं आएगी मोदी जी की सरकार? मोदी जी ने देश को एक इकट्ठा कर दिया, हिंदुओं को सारा इकट्ठा कर दिया है, और उसके बाद उनका थोड़ा सा फॉरेन कंट्रीज के अंदर भी थोड़ा सा टेरर है कि अगर तुमने हमारी तरफ आँख उठाई तो शायद मैं तुम्हारी आँख नहीं निकाल सकता हूँ। धारा 370 का हटाना, राम मंदिर बनाना कोई और पार्टी कर ही नहीं सकती, ना भविष्य में कर पाएगी। हिंदुत्व को इकट्ठा करना, किसकी औकात है जो राम को लेके आएगा? हम राम को लाएंगे, हम राम को लाएंगे। राम जी हमें लेके आए हैं, हम उनके बच्चे हैं, पैरों की धूल हैं। राम का नाम भी लेना भी बड़ा पवित्र समय, पवित्र जगह पर नाम लेते हैं। कहीं भी राम जय श्री राम जय श्री राम कभी भी कोई नाम ले। मैं मेरे धर्म की राजनीति हो रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा। और मैंने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जैसा ये हिटलर जो प्रधानमंत्री, दादागिरी के सिवा कुछ नहीं है, गुंडा कर दिया है मैम। इस टाइम दुनिया में नाम चल रहा है सबसे बड़ा घोटाला, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का घोटाला है, चुनावी चंदा जी। सबसे बड़ा घोटाला इस टाइम, और यहाँ नहीं विदेशों में डंका बज रहा है इसका। 96 से पहले जी, मैं साउथ एक्सटेंशन में थी जी। कोई थ्री व्हीलर यहाँ आता नहीं था कि काले पानी जाए, हम नहीं जाते। उसके बाद से जब शीला जी आई हैं, तब इस दिल्ली की काया पलट हुई है। लेकिन आज आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर के शीला जी तड़प रही होंगी, कागजों का बुलंदा लेकर मेरे पास, मैं शीला को जेल भेजूंगा। आज मिल गए, शर्म नहीं आते कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को? शीला जी की आत्मा तड़प रही होगी स्वर्ग से। बिल्कुल झूठा, कौन झूठा? मोदी 100% झूठा। जो इसने वादे करे एक निगरा बता दो, उनमें से पांच ही बता दो अगर इन्हें वादे करे मोदी ने। यू बेकार है, संस्कार इसके अच्छे नहीं है मोदी के। मैं रामगढ़ आप ले लेती, जैसी राम पैसा तुम लूट दिए। राजस्थान में कितने बलात्कार हुए हैं? राजस्थान में कितने बलात्कार हुए हैं? किस नेता ने बोला है? अखिलेश यादव ने बोला है, लालू यादव ने बोला है। अरे एक एक करके बोल दो। देखो सच्चा आदमी वही होता है जिस लेडीज से गलत हुआ है वहाँ बोलना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी का हो। हर 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 लेडीज की इज्जत बराबर होती है। आ रहा है लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार, आखिर आप कितने तैयार हैं ये जानने के लिए इस वक्त हम लोग ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जहां पर आप अभी हमारा खास कार्यक्रम देख रहे हैं बोल भारत बोल। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं आरजू दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। लोकतंत्र में सबको बोलने की आजादी होती है, इसीलिए आप यहां खुलकर बोल सकते हैं, और खुलकर बोले भी क्यों ना, क्योंकि अब लोकसभा चुनावों की आहट तो आप सुन ही रहे होंगे। जी हाँ, हम लोग दिल्ली के दिलशाद गार्डन में मौजूद हैं, जहाँ पर हमारे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम जनता से हम लोग संवाद करने की कोशिश करेंगे। देखिए हम लोग दिल्ली के दिलशाद गार्डन में इस वक्त मौजूद है, जहाँ पर सबसे पहले हम लोग बोल भारत बोल पर आज का जो कार्यक्रम है बोल भारत बोल में चलते हैं जनता के पास। किधर से शुरू किया जाए? यहाँ से शुरू करते हैं। चलिए, क्या लग रहा है आपकी बार जो आहट है चुनावों की वो कहाँ है? मैडम देखिए, वैसे तो पॉलिटिकल के अंदर हम लोग इतना ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं, फिर भी अगर एमपी के इलेक्शन में देखें तो बीजेपी ही ज़्यादा आगे बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्या काम कर दिया ऐसा बीजेपी ने? बीजेपी ने ऐसा कोई काम नहीं किया है, बट जो मोदी जी है, वो लोग जो वोट दे रहे हैं सिर्फ मोदी जी को दे रहे हैं, इसके अलावा किसी को वोट नहीं मिल रही है, सिर्फ उनके नाम पे वोट मिल रही है जो भी बीजेपी को वोट मिल रही है। जिस दिन मोदी जी बाहर हो जाएंगे बीजेपी से, बीजेपी अपने आप आउट हो जाएगी। तो चलिए ये बता दीजिए, मोदी जी ने ऐसा क्या काम कर दिया? मोदी जी ने देश को एक इकट्ठा कर दिया, हिंदुओं को सारा इकट्ठा कर दिया है, और उसके बाद उनका थोड़ा सा फॉरेन कंट्रीज के अंदर भी थोड़ा सा टेरर है कि अगर तुमने हमारी तरफ आँख उठाई तो शायद मैं तुम्हारी आँख नहीं निकाल सकता हूँ। तो ये वाली कहानी है। आप चाइना का ही एग्जांपल ले लीजिए, पीछे जब उन्होंने बॉर्डर के ऊपर हमारे थोड़ा सा कब्जा करने की कोशिश की थी, तो उसका रिप्लाई दिया उन्होंने, उसको ईंट का जवाब पत्थर से दिया। और यही अगर कोई और पार्टी होती तो पता नहीं वो क्या करती। सर आपके पास, अरे बड़े मुस्कुरा रहे हैं आप मोदी जी के नाम पर। क्या लग रहा है
है आपके पर हवा का है? देखिए चांसेस पूरे हैं जैसे सर ने बताया अभी, मैं इस बात से सहमत हूँ कि जो ओवरऑल परिवर्तन पिछले कुछ सालों में देखा गया है वो हमने पहले कभी महसूस नहीं किया, चाहे हम सड़कों के देखिए जो कंडीशंस हुआ करती थी पहले आज की देखा जाए, आज हम बहुत दूर भी अगर ट्रैवल करना चाहें तो सेम डे हमारे लिए पॉसिबल है, वो सड़कें उस तरह सुविधा हमें मिल चुकी है। अभी भी बहुत कुछ काम ऐसा करना बाकी है, लेकिन यस मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से पूरे वर्ल्ड के लेवल पर जो सुधार है, हमारे देश की जो प्रतिभा दूसरे देश देख रहे हैं और वो रिस्पॉन्स मिल रहा है, उससे हमारा कॉन्फिडेंस कि आने वाले टाइम में हमारे लिए और ज्यादा बेटर होने की पूरी संभावना है। ठीक है, चलिए बीजेपी के पिछले 5 साल के 5 काम आप मुझे कोई बता दीजिए। सबसे पहला काम मैं आपको बताता हूँ। कितने जोश के साथ आए हैं वापस। नितिन गडकरी इज ए बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस, जिन्होंने देश के अंदर हमारे इंडिया के अंदर इतनी ज्यादा बढ़िया बढ़िया सड़कें बनाई, ऐसे ऐसे रूट बनाए, तो उसके लिए नितिन गडकरी को मैं सबसे आगे रखूंगा। जो हमारी 5000 किलोमीटर से अधिक की है इंटरनेशनल लेवल पे है, वो एक दूसरे पे हम अटैक कर सकते हैं और परमाणु आयुध भी लेके जा सकते हैं उससे। धारा 370 का हटाना, राम मंदिर बनाना, कोई और पार्टी कर ही नहीं सकती ना भविष्य में कर पाएगी, हिंदुत्व को इकट्ठा करना, इसलिए मोदी जी के अलावा कोई नहीं। चौथा कौन, पांचवा कौन बताएगा? नहीं, हम बीजेपी के हैं नहीं, हम तो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, हम इनकी बात किसी बात से सहमत नहीं है, ये सांप्रदायिक पार्टी है, जहाँ जहाँ जिन देशों पूरे वर्ल्ड के अंदर जहाँ जहाँ जिन जिन देशों के अंदर सांप्रदायिक हुए, चाहे वो अफगानिस्तान हो चाहे श्रीलंका हो, दंगे ही फैले, आज 20% हम मुसलमानों को नहीं झेल पा रहे, 80% हम हैं, तो ये बात हमारे तो गले उतरते हुए। धर्म की राजनीति कर रही है क्या बीजेपी? बिल्कुल कर रही है। मैम आप एक चीज बताओ ना, जो राम मंदिर बनाया है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ उसे राम मंदिर बना, और मोदी जी मंच पे जाके राम मंदिर के नाम पे वोट मांगते, और एक बात अहम जो बात है, किसकी औकात है जो राम को लेके आएगा? हम राम को लाएंगे, हम राम को लाएंगे, राम जी हमें लेके आए हैं, हम उनके बच्चे हैं, पैरों की धूल हैं, राम का नाम भी लेना भी बड़ा पवित्र समय पवित्र जगह पर नाम लेते हैं, कहीं भी राम जय श्री राम जय श्री राम कभी को भी नाम लेना, मेरे धर्म की राजनीति हो रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा। अगर नेहरू जी जब पीएम बने थे अगर वो धर्म की राजनीति करते तो आईआईटी हो चाहे परमाणु बम हो चाहे कुछ भी हो, जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो खड़ी हैं जिनमें मोदी जी जाके कहते हैं भाई इतने वैज्ञानिक ये मैडम, वो उसी बिल्डिंग से पढ़ के आज वैज्ञानिक बने हैं, विज्ञान में आगे बढ़े हैं, ठीक है ना, उन्हीं का हुआ है कि आज हम चांद पे गए हैं मंगल पे गए हैं। और एक बात और चीन की बात थी मैम, इंदिरा गांधी जी ने रात ही रात में पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कर दिया था, वो इंदिरा गांधी थी मैम। कांग्रेस ने जो काम कर दिया, आज हम जो खड़े हैं यहाँ पर, जितने ये फ्लैट्स आप ये देख रहे हैं, जितने भी आप देख रहे हैं, ये सब कांग्रेस के टाइम की, जितनी स्लम एरिया नन नगरी सब कांग्रेस के टाइम की। मुझे आप ये बता दो कि जितने भी आजकल आज तक यहाँ पर जो है मतलब अवैध जो है यहाँ पर जगह जगतपुरी हो, कितनी यहाँ चीज़ें बनी हुई हैं, बीजेपी आई हम इसको रेगुलराइज करेंगे, आज तक नहीं। अब मनोज जी आते हैं मतलब जो यहाँ डांस वाले जो हैं, क्या मनोज तिवारी जी? हाँ मनोज तिवारी जी मैडम, मेरे ना कई मित्र हैं बीजेपी के, और वो यूँ कहते हैं यार टिकट इस बंदे को मिली है, और वो कहते हैं हम काम तो बीजेपी का करेंगे पर यहाँ नहीं करेंगे दूसरी जगह जाएंगे, ये हाल हुआ पड़ा है यहाँ पर। और मैडम ये जितने भी ये कार्य हो रखे हैं ना, ये सब कांग्रेस के टाइम के हो रखे हैं। और बात रही अभी जो मेरे एक भाषण में कहा था जो रोड बन गई है मैडम, ये आपको भी पता है मास्टर प्लान 20 साल में बनता है जाके, वो मास्टर प्लान जो होता है उसी पे कार्य होता है, ये कांग्रेस के टाइम का मास्टर प्लान बना हुआ है, उसी पे ये रोड बन रही है, ये नहीं कि आज हम जाएंगे भाई यहाँ से हम रोड निकाल दें, नहीं, ये मास्टर प्लान कांग्रेस का बना हुआ है और उसी पे काम हो रहा है आज की डेट। तो मैडम ये कांग्रेस पार्टी ने ही देश को आगे बढ़ाया है, और आज एजुकेशन कुछ हुआ ना उसका क्या फ़ायदा, एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है कोई भी काम का होना, नो डाउट कांग्रेस ने काम किया है, एग्जीक्यूट किया, अब एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? यदि एग्जीक्यूशन मैं कर रहा हूँ तो मेरा नाम होगा। अब राम मंदिर 500 साल तक केस चल रहा था, कुछ हो ही नहीं रहा था, लेकिन अब राम मंदिर बना, हिंदुओं की धाराओं को ये अच्छा लगा सबको, भाई हिंदू कपिल सिब्बल ने तो तब भी केस किया था उन पर कि भाई ये तुम इतना जल्दी क्यों करवा रहे हो, क्यों किया था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा है ये सब राष्ट्र के लिए कर रहे हैं सब, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे आम पार्टी हो चाहे बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, हम सब
हिंदुस्तान के लिए काम कर रहे हैं और हमें हिंदुस्तान के लिए काम करना चाहिए। हिंदुस्तान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान के लिए ही काम कर रहे हैं। मैडम मुझे लगता है 2014 से पहले कोई हिंदू था ही नहीं, मुझे तो ये लगता है। और सर हम भी हिंदू नहीं थे 2014 से पहले, मुझे नहीं लगता कोई हिंदू थे। 2014 के बाद इन लोगों ने हमें बताया कि हम हिंदू हैं। और मैडम 80% हिंदू होने के बाद भी ये इतना इन्होंने डरा रखा लोगों को कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। मैडम मुझे आप एक चीज़ ये बताओ, राजीव गांधी जी ने ताला तोड़ा था वहाँ पर, खोला था जाके, और वहाँ उन्होंने मूर्ति स्थापित की थी। और मैम उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में केस हो गया स्टार्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज ने इसका फैसला लिया। और मैन चिन्ह मैम वहाँ से कोई भी मेरे जो भाई हैं पैसे मैं दूंगा उसके, वैसे तो आप लोग जा सकते हो खुद भी। मैडम 3 किलोमीटर दूर मंदिर बना है, वहाँ मंदिर ही नहीं बना। ये नहीं तो मैम आपको चलना, आप चलना मेरे साथ। 3 किलोमीटर दूर मंदिर बना है, जहाँ मंदिर बनना चाहिए था वहाँ मंदिर ही नहीं बना। और मैडम उसके बाद भी वो मंदिर बन गया। मैडम क्या होता है, देखो मैडम हमारा घर बनता है, हम सब हिंदू हैं ठीक है ना, हमारा घर बनता है। मैडम क्या होता है, घर के अंदर एक मंदिर ही बनता है। मैडम आपको ये लगता है कि हमारा मतलब आधे अधूरे मंदिर के अंदर हम उसकी पूजा कर दें राजनीति के चक्कर में, और उसके बाद मैम उसी मंदिर में उसी जो हमारे राम है, हाँ मैम उस राम की मूर्ति वहाँ लगी हुई है राम जी की, और वहाँ कारीगर आज भी काम कर रहे हैं। मैम आपको पता है मेरे घर के अंदर भी अगर कोई लेबर लगी है, वो गुटखा खबी खाता है, थूकता है, सब कुछ चीज़ करता है, उस मंदिर के अंदर किसी की एंट्री भी होनी चाहिए। और आज भी उस मंदिर के अंदर कारीगर काम कर रहे हैं राम जी की मूर्ति लगने के बाद। चुनावों को देखते हुए किया था क्या उनका? देखते हुए किया उन्होंने। और मोदी मैं आपको जब मैं डरता नहीं हूँ, ऐसा ही बता रहा हूँ, मैं डरता ही नहीं हूँ। मैम एक बात बताऊं मैं आपको, मेरी सन मैम आ रही हूं सर आपके पास भी आऊंगी, आप पीछे हो जाइए, फ्रेम बड़ा करिए। मैम आपको इस सज्जन को पता नहीं क्या तकलीफ आ रही है। हाँ आ रही हूं सर आपके पास आती हूं। 74 के लगभग चल रही है। हाँ। और मैंने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जैसा ये हिटलर जो प्रधानमंत्री, दादागिरी के सिवा कुछ नहीं है, गुंडा कर दिया है मैम। और रहा देश की बात, देश को तो एक खड्डे में पहुंचा देंगे, खड्डे में पहुंचा दे, गुलाम बना देंगे मैम ये। और रहा दूसरा ये मैम, आप इधर आइए एक मिनट भाई, यहाँ निकल कर आ जाइए मैम। रहा दूसरा ये देखो मैं आपको बताऊं मैम, इन लोगों ने, मैं मोदी जी 5 किलो वो भीख दे रहे हैं उसको, गरीबों को आ जाओ भीख दे रहे हैं 5 किलो। इन्होंने ये गरीब को गरीबी बनाना, इनको ये ना वो नहीं बनाना। अब बहन जी अगर इसको देना ही है, इनको देना तो नौकरी दो जवानों को, जैसे कांग्रेस ने दी है। और कांग्रेस अगर आई तो देखना बहन जी, जब देखना नज़ारा, देखो किस तरह से भर्ती खुलती है। इन लोगों ने जो अभी आर्मी में इन लोगों ने भर्ती करी, आर्मी में जो भर्ती कर रहे हैं ये, और इन लोगों ने ये मैं बताऊं बात सुनो, इनके अंदर दादागिरी और गलत बोलना ये सब कुछ है। ठीक है आइए इधर आगे, ये हमारे निगम पार्षद जी साहब हैं। बिल्कुल बिल्कुल परिचित हूँ मैं। बड़े आरोप लगा रहे हैं, जवाब? आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। सबसे पहली मैं बहुत छोटी सी लेवल से शुरू करता हूँ, इसको कहते हैं कि नेशनल हाईवेज। जब कहते हैं किसी भी देश की तरक्की करने के लिए उसके सबसे पहले नेशनल हाईवेज होते हैं। एक टाइम वो था कांग्रेस का टाइम कि यहाँ से मात्र 200 किलोमीटर जाने के लिए, हरिद्वार तक जाने के लिए 8-8, 10-10 घंटे लग जाते थे, टूटी हुई सिंगल सड़क चलती थी। और आज वो दिन है, आज वही भारत है, वही सब लोग हैं। और जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ तो आज आप आँख बंद करके चौकड़ी मार के सीट पर बैठ जाइए, गाड़ी बिना ब्रेक के सीधा हरिद्वार लगती है, और मात्र उसमें 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। आप क्या खान पीन के लिए भी नहीं रुकते हैं क्या? जी नहीं, क्यों रुके 3 घंटे में? अगर 3 घंटे में इतनी जल्दी कोई फ्रिक्वेंटली भूख नहीं लगती है? अब अगर मैम यहाँ से सुबह ब्रेकफास्ट करके चलते हैं तो तब भी लंच टाइम भी कम से कम 4 घंटे के बाद होता है, तो 3 घंटे में आप अगर हरिद्वार पहुँचते हैं। भले मैंने आपको बेसिक नीड बताई मैंने आपको कि जो छोटी सी, क्योंकि देखिए मेरी बात सुनिए, हिंदू धर्म के अंदर चाहे पैदा होने से लेके मरने तक बंदा हरिद्वार जाता है, इसलिए मैंने हरिद्वार का एक आपको एग्जांपल कोट किया है, ठीक है ना जी। तो वैसे आप देखिए कि पूरी की पूरी कंट्री, इसके अंदर आप पूरी कंट्री में किस तरीके से इस समय हाईवेज का जाल बिछ चुका है,
ठीक है। अभी आपने देखे रिसेंटली जो अभी द्वारका हाईवे का अभी उद्घाटन किया माननीय मोदी जी ने, तो उसमें दिल्ली का कंजेशन कितना सुधर गया है, वो कंजेशन खत्म हुआ है। तो मैं ये आपको वो एग्जांपल्स बता रहा हूँ जो हम लोग अपनी दिल्ली में, क्योंकि हम दिल्ली के निवासी हैं तो हमारे को जो सुविधा मिली। और एक तरफ कांग्रेस और ये आम आदमी पार्टी देखिए भ्रष्टाचार में लिप्त बिल्कुल, अभी आप देखिए अभी सबकी बात हो तो आप देखिए अभी क्या भी वो ये आपके माननीय मुख्यमंत्री जी जो अपने आप को प्रूफ हो सर पहुंचे ना प्रूफ। चलिए सुनिए सवाल थोड़ा बदल देते हैं, ऐसे किसी का नाम मत लीजिए पर्टिकुलर, बिल्कुल तीन पर कांग्रेस चार पर आम आदमी पार्टी, ये अंदर की बात क्या है? अंदर की बात तो देखिए मतलब ये जो हुआ है, ये जोड़ हुआ है, ये कैसे हो पाया है? मैं अपने माँ बाप की कसम खा के कहता हूँ मैं बिल्कुल भी कांग्रेस को नहीं लूंगा, हम कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाएंगे, ऐसी बातें सुनने को मिली थी। मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, पता नहीं किस किस की कसम खा ली थी, मुझे लगता है उनकी भी खा ली होगी जो दुनिया में नहीं है। नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये गठजोड़ भी एक क्या कह सकते हैं समय की मांग है। ये मैं एक मिनट अब आ रहा हूँ आप लोगों के पास ही आ रहा हूँ, ये गठजोड़ भी एक समय की मांग है। कारण क्या है कि किसी न किसी तरह बीजेपी को सत्ता से दूर करना है, ये एक आवाम की इच्छा है, ये एक आवाम की इच्छा है। उसके लिए कुछ भी करना पड़ सके वो करना पड़ेगा। अब आप लोग घोटालों की बात कर रहे हैं, कांग्रेस को घोटालों की बात कर रहे हैं, मैं एक छोटा सा ही बता देता हूँ, इस टाइम दुनिया में नाम चल रहा है सबसे बड़ा घोटाला इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का घोटाला है, चुनावी चंदा सबसे बड़ा घोटाला इस टाइम। और यहाँ नहीं, विदेशों में डंका बज रहा है इसका, इस टाइम इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का विदेशों में भी डंका बज रहा है। अब ये कह रहे हैं हाईवे की बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ, द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करता हूँ, अभी चंद्रयान 3 जिसका निर्माण से लेके और ऊपर स्थापित करने तक जो खर्चा आया है, निर्माण से लेके ऊपर स्थापित करने तक जो खर्चा आया उतना 1 किलोमीटर का खर्चा दिखाया गया है। 2024 में नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा ऐलान 400 पार, क्या ये 400 पार का जो आंकड़ा है ये पार कर पाएगी बीजेपी? आपसे जानेंगे मैम। देखिए बीजेपी या कोई भी पार्टी हो, मैं डेवलपमेंट की बात करती हूँ, मैं पार्टियों की बात नहीं करती। ठीक है। 96 से पहले मैं साउथ एक्सटेंशन में थी, कोई 3-व्हीलर यहाँ आता नहीं था कि काले पानी जाए हम नहीं जाते। उसके बाद से जब शीला जी आई हैं तब इस दिल्ली की काया पलट हुई है, यहाँ फ्लाईओवर बने हैं, सब कुछ हुआ है। मैंने जो अगर कुछ किया है तो मैंने कुछ भी नहीं किया। अगर शीला जी सेंक्शन ना करवाती जो हमारे जैसे अपने कॉरपोरेटर अगर हमें पैसा नहीं देते तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। आज उन्होंने इतना सारा बनवा दिया कि जितनी डेवलपमेंट शीला जी के टाइम में हुई है किसी के टाइम में नहीं हुई, ये मैं सबके सामने कह सकती हूँ, खुल के कह सकती हूँ, चाहे बीजेपी हो चाहे कोई हो, जो शीला जी ने डेवलपमेंट की है दिल्ली में वो आज तक किसी ने नहीं की। ठीक है पीछे हो जाए। शीला जी ने जो भी काम किया कॉमनवेल्थ गेम की वजह से काम किया, टू बी वेरी फ्रैंक, उन्होंने सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम में घोटाला भी हुआ। देखो मैं किसी भी पार्टी को बिलोंग नहीं करता, मैं जो बात होगी बोलूंगा सही उसको। वोट मेरा मोदी जी को वोट गया, अभी भी कह रहा हूँ 400 प्लस जाएंगी, आज भी कह रहा हूँ अगर जीतेगा तो वो। ठीक है 400 पार का जो आंकड़ा है वो कैसे पार करेगी अब की बार बीजेपी? सरदेव प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, देश का विकास, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि, ये सब 400 के पार जाएंगे। और इन 10 सालों में किसी भी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी सांसद पर लेस मात्र भी कहीं पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, 400 के पार जाएंगे। यहाँ का जन जन मोदी जी, मैं मोदी जी का परिवार, मैं हूँ मोदी, इस कारण से 400 पार जाएंगे। और जिस तरह से अभी बहस चल रही थी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं, क्या क्या नहीं बोला था केजरीवाल साहब ने, अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर खड़े हैं अभी बहस करते हैं कि अब चावल दे रहे हैं आटा दे रहे हैं, क्यों नहीं देना चाहिए? कोरोना काल में जनता को भूखा मारना चाहिए था? मैं पूछना चाहता हूँ भाई साहब से, कोरोना काल में अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए था?
क्या नहीं देना चाहिए था? अगर आज अन्न दे रहा है तो जो अन्न के लिए जो पैसा देना था, एजुकेशन पर अपने बच्चों पे खर्च कर रहे हैं, ये एक ही नहीं बोलना, ये छोटी बात करना। और मैं भाई साहब से बोले विकास क्या कांग्रेस ने, मैं मानता हूँ कांग्रेस ने विकास का, हर कोई विकास करना चाहता है, लेकिन क्या था 20 सूत्री कार्यक्रम, इंदिरा जी के 20 सूत्री कार्यक्रम थे, गरीबी उन्मूलन था, 70 साल गरीब कहाँ बैठा है। और इस समय मोदी जी के 5 करोड़ आदमी गरीब रेखा से ऊपर वोट करके LIG लोअर इनकम ग्रुप में आ गए हैं, क्या ये दिखता नहीं है कांग्रेस के मेरे साथियों को? अगर ये मेरे श्रेष्ठ बैठे हुए यहाँ पर एल्डर मैन रही हैं, मैं माता के स्वरूप मानता हूँ, सही बोलते हैं, शीला जी ने विकास किया था, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, शीला जी ने जरूर विकास किया, लेकिन आज आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर के शीला जी तड़प रही होंगी, कागजों का बुलंदा लेकर मेरे पास, मैं शीला को जेल भेजूंगा, आज मिल गए। शर्म नहीं आते कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को? शीला जी की आत्मा तड़प रही होगी स्वर्ग से, उन्होंने विकास किया था दिल्ली का, लेकिन आम आदमी पार्टी कोई भी अगर यहाँ पर सपोर्ट बढ़े, एक बात बता दे कि आम आदमी ने इस क्षेत्र में एक भी काम किया हो? आज अगर पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए चारों तल पर फिर रोड बनाई तो नरेंद्र मोदी जी ने बनाई, आज जितने अंडरग्राउंड जितने भी अभी द्वारिका एक्सप्रेस वे का अंडर पास बनाए वो नरेंद्र मोदी जी ने किया, जगह जगह प्योरीफायर जो लगाए, प्रगति मैदान वाला मैं वही बता रहा हूँ, अंडर पास जो बनाए, ये सब चीज़ें क्या हैं? और जो नई बसें 400 नई बसें जो भारत सरकार ने आम आदमी सरकार को दी, हालांकि क्रेडिट आम आदमी सरकार ले रही, क्यों ले रही है? और आज जो इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया, वो कौन सा शासन है जो अंदर जेल से चिट्ठियां बाहर आ रही हैं, ये भी पब्लिक पूछना चाहती है आज कि अंदर से वो चिट्ठियां बाहर कौन डिस्क्लोज कर रहा है? और आज उनकी पत्नी किस हद से जाकर के उस गद्दी पे बैठी हैं जहाँ पर केजरीवाल साहब कभी भाषण दिया करते थे, अपनी जनता को संबोधित करते थे, आज रो रहे हैं पानी और बिजली के लिए। मैं इस दिलसाद गार्डन में हूँ जहाँ ड्रेन और सीवरेज और पानी के लिए रो रहे हैं, माता जी भी इसकी गाँव हैं, सारे लोग गाँव हैं, सीवरेज जाम पड़ी है, PWD के नाले जाम पड़े हैं, पानी पीने का नहीं है। मेरे जैसे कॉरपोरेटर तड़प रहा जगह जगह डिपार्टमेंट के पास जा जा करके कि मेरी जनता परेशान है, सीवर ड्रेनेज सिस्टम सारा चौकआउट हो रखा है, इसको करो, पीने का पानी दो, सब बिस्लेरी का पानी पीने लो, बिस्लेरी कंपनियों से मिलकर आम आदमी पार्टी ने चुनावी खर्चा चलाया, सारा पूछ लो किसके घर में बिस्लेरी का पानी नहीं आ रहा है, दिल्ली जैसी जगह हम किसके पास रोए? आज दिल्ली की सरकार नहीं है, पहले यहाँ पर गंगा वाटर आता था, आज गंगा वाटर के जा नहीं आ रहा गंगा वाटर। मैं आपका क्षमा चाहता हूँ, आप मेरे से बड़ी गंगा वाटर काट दे, आज ये मिल के आए, मैं SC को मिल के आया हूँ कि दिलसाद गार्डन का गंगा वाटर आपने क्यों काटा, क्यों साउथ दिल्ली को डाइवर्ट किया आपने, ये आम आदमी का चेहरा। और जो जो अभी भाई साहब बोले थे, वाकई मोदी जी 400 के पार जा रहे हैं अपने कामों के बल पर, अपने सांसदों के काम पर, और जो सांसद अगर कहीं पर काम नहीं किया उनको टिकट भी नहीं दी, ये वो कर सकता भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ जी बताइए। देखिए जब शीला जी थी उस टाइम यहाँ पर जो काम हुआ वो हुआ, लेकिन और पैसे भी जो हैं कॉरपोरेशन को बराबर मिलते रहे। कोई कॉरपोरेशन में यहाँ अगर काम करता है तो बता दे शीला जी के टाइम में कोई 3-3 महीने स्ट्राइक कर पैसे मिले? बिल्कुल नहीं, सबको मिलते रहे पैसे। अब डॉक्टर तर को 300-300 दिन में तनख्वाह नहीं मिल रही है। ठीक है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ED की रिमांड पर हैं। अब दिल्ली का क्या होगा? दिल्ली का क्या होना है? जेल से सरकार चलाएंगे क्या वो? जेल से सरकार थोड़ी चला करती है, दोबारा कोई और पार्टी आएगी संभालेगी? कौन आएगी? ये मुझे लगता है कि सबसे छोटी जनरेशन यहाँ पर है। क्या बोला अभी आपने? सवाल किया था BJP आएगी दिल्ली में, BJP आएगी, क्यों आएगी, क्यों नहीं आएगी? जब योगी जी ने यूपी का इतना ज्यादा उसको प्रोग्रेस करा दी तो फिर दिल्ली में क्यों नहीं आ सकती? दिल्ली में भी तो आ सकती है, क्यों नहीं आएगी मोदी जी की सरकार? ये बच्चे के नाम पर मोदी जी है, बच्चे के नाम पर मोदी जी है। सुनो, पहली बात ये बोली कि भाई केजरीवाल मैडम, पहली बात ये बोली भाई केजरीवाल कांग्रेस की लड़ाई थी, बहुत जा रहे थे एक दूसरे को। मैडम बिहार के अंदर जब नीतीश जी गठबंधन इनका टूटा BJP से, अमित शाह ने कहा था कि हम कभी नहीं लेंगे नीतीश कुमार, बंद हो जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए नीतीश को बिल्कुल नहीं लेंगे। मैम अमित शाह जी ने ही बुलाया नीतीश जी को, अपने हाथ से पानी पिलाया और गठबंधन में उनको लाया बिहार के अंदर। दूसरी बात मैम, पलटू कौन है? पलटू मैम नीतीश कुमार और ये BJP दोनों पलटू है। मैम एक चीज बताओ, ठीक है नीतीश तो पलटू है,
अमित शाह जी का इतना बड़ा कद है इस समय, उनको ये अपने वादे पे नहीं रुकना चाहिए था उन्हें मैम, उनको अपने वादे पे नहीं होना चाहिए था खरा मैम। रात ही रात में नीतीश जी को बुला के, और मैम सुनो मैम, बात हुई अंडर पास की, सर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात में बात कर ले, मुद्दे ले लेते हैं सर। एक बात मैं मोदी जी की बात कर रहा हूँ मैम, अंडर पास की बात हुई, कितने मेरे भाई हैं यहाँ पर मैडम, प्रगति मैदान वाला जो अंडर पास है, बारिश आता पानी भर जाता है, और सुनो मैम कितनी बार यहाँ छीना झपटी हो गई है, चक्कू दिखा के पैर छीने हैं, और मैम वो रात को बंद कर देते हैं, पता है मैम आपको, मैम आज की डेट में प्रगति मैदान वाले अंडर पास के अंदर कानवे लगती है। क्या झूठा, बिल्कुल झूठा, कौन मोदी, मोदी 100% झूठा, जो इसने वादे करे एक निगरा बता दो, उनमें से पांच ही बता दो अगर इन्होंने वादे करे मोदी ने, अब वो जो वादे किए क्या थे आप मुझे बताइए, सवाल पूछने के लिए मैं हूँ यहाँ पे। सही, आज तक का बात है, जब से दस साल हो गए मणिपुर में हालत खराब हुई लड़कियों की, उसमें बोला हो बीजेपी का जो वो है क्या नाम है, सुनो एक मिनट सुनो मोदी सुनो तो सही, आप एक मिनट बोलने दीजिए आप सुनो, अच्छा सुनो, जो वहाँ मणिपुर में इनके सुनो तो सही, सुनो गलत 100% गलत। मेरे कैमरा पर्सन बड़े उत्तेजित हो रहे हैं, रुक जाइए, सुनो आराम से, वन बाय वन गरीबों में आग लगाई झोपड़ियों में, उसमें बोला ये वो जो मोदी का जो वो चमचा है दाढ़ी वाला, क्या नाम है, मेरा नाम भी भूल जाओ, उसने गलत उसके खेल वाले इनके साथ गलत काम करा, बोला है बोला है ये गिरिभूषण बोला ये वैसे ही काम है था पूरा, यू बेकार है, संस्कार इसके अच्छे नहीं है मोदी के, जोक चुपी जब मैं राम का नाम ले लेती, जैसे राम में तो तुम लूट दिए, जैसे राम में तो लूट दिए तुम, जैसे राम राम के मंदिर तो अपने अंदर है, मंदिर अपने अंदर है, सुनो मंदिर अपने अंदर है, आपके अंदर मंदिर, इसके अंदर मंदिर, सबके अंदर मंदिर है, अगर सच्चा है ये है तो ठीक है, हमने कम से कम 10-15 तो घेरी होंगी वोट जो वो करे है, नहीं हमारा हक है ना, ले और हम इतनी भी जानते हैं, अखबार पहले से भी पढ़ रहे हैं और अब भी पढ़ रहे हैं, जब पूरे वो थे जब भी हमारे पिताजी लाते थे अखबार, लेकिन इतना भ्रष्टाचार नहीं था जितना अब है। बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट, ऐसा कोई मर्जी बोल दे, मदद चार बता दीजिए आप, एक अरे कैमरा पर्सन को जगह दे दीजिए, एक बात सुनो नहीं, अरे सुनो, ये जो अंबानी और अंडानी के पास पैसा गया वो आपका है, हमारा नहीं है, हमारा है, आपका है, मजे मार रहा वो, हमारा है वो पैसा, ज्यादा मत आपका भी पैसा जो अंबानी मजे मार रहा है, और अंबानी जवाब, मैं जाऊंगा मेन बात के ऊपर जाऊंगा, संदेश, हाँ जी सुनिए, संदेश खाली में क्या हुआ था, बच्चे हैं, मैं ज़्यादा खुल के नहीं बोल पाऊँगा, जो फिल्मों में होता था ना, शक्ति कपूर, कादर खान, बड़े बड़े विलन होते थे पिक्चरों में, संदेश खाली में वो काम हुआ है,
और टीएमसी वालों का। सुनो मेरी बात, किस कांग्रेस ने बोला एक भी बड़े नेता ने संदेश खाली में गलत हुआ है? नहीं, एक मिनट, नाम गिनवाओ। नहीं, नाम गिनवाओ, नाम। आप अपनी बात कंप्लीट करिए, यहाँ पे देखिए राजस्थान में उसके बाद राजस्थान में कितने बलात्कार हुए हैं? किस नेता ने बोला है? अखिलेश यादव ने बोला है, लालू यादव ने बोला है? देखो, सच्चा आदमी वही होता है जिस लेडीज से गलत हुआ है वहाँ बोलना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी का हो। हर 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 लेडीज की इज्जत बराबर होती है, चाहे वो। मेरी बात सुनो, राजस्थान में कितने बलात्कार हुए, कितनी बार, मुझे ये बताओ ना। देखो सुनो मेरी बात, क्वेश्चन करोगे? मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। कितनी बार बोलिए? एक मिनट रुक जाइए। सवाल लेने दीजिए आप प्लीज। चुनावों से पहले बीजेपी CAA लेकर आई, चुनाव से पहले ही क्यों? आप सारे चुप रहिएगा, आपके पास आऊंगे इसके बाद। ये चुनाव से पहले प्रोग्राम तो लाने का, वो तो पहले ही लाई है बीजेपी, उसके एजेंडे में था 2019। 370 बीजेपी के एजेंडे में था, राम मंदिर उसके एजेंडे में था, जो बोला मोदी जी ने पूरा किया, देश आगे बढ़ रहा है अंतर्राष्ट्रीय लेवल में। देखो पहले चुप रहते थे, अब देखो मोदी हो रही है सब, और रोड इतनी बन रही है। अब जो कांग्रेस वाले कहते थे पहले, अब माला डालो फिर रहे हैं, ठीक है। राहुल गांधी और सोनिया, ये क्या नाम है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से क्या बीजेपी को फायदा होने वाला है? देखो उससे क्या, पूरा बीजेपी को फायदा हो रहा है, सबको पता है जोकर है। आज की डेट में राहुल गांधी को जोकर के रूप में देखा जा रहा है, ठीक है। और जोड़ना क्या है ना, तो इनके तो पुरखों ने देश तोड़ दिया भाई, चीन दे दिया, चीन को हिस्सा दे दिया, उधर पाकिस्तान को दे दिया, तो ये तो जुड़ा हुआ तोड़ा है इन्होंने, ये तो पूरा देश अखंड भारत था, इन्होंने तोड़ने काम किया। 1962 में मैं भारतीय नौसेना से रिटायर हूँ। 1962 में एयरफोर्स के विंग कमांडर थे उस टाइम पे, कांग्रेस के टाइम पे, उन्होंने बोला कि अभी चीन की सेना अंदर आ चुकी है, हमारी आर्मी अभी हेल्पलेस है, एयरफोर्स को कमांड दी जाए। लेकिन इंदिरा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पे थे, जो उन्होंने साफ मना कर दिया, नो एयर स्ट्राइक। अगर आज भी बड़े बड़े विंग कमांडर हैं एयरफोर्स के, उन्होंने क्लियर बोला टीवी पे आके, अगर हमें बोल दिया जाता कि अभी चाइना को अभी अटैक करना है, तो ये 1962 में हमारी एक इंच जमीन भी नहीं गई होती, मैं गारंटी देता हूँ उस बात की। और दूसरा सुनो मेरी बात, मैं एक्ट डिफेंस हूँ, मैं नहीं जाऊँगा खाना दिया, रसम दिया, वो दिया, मैं जाऊँगा डिफेंस की बात के ऊपर। अराउंड द कॉर्नर जाइए, चाइना का जो बॉर्डर है उठा के देख लीजिए भाई साहब, आप भी सुनिए, एक भी अगर कोई अटैक कर दे, कम से कम भी वहाँ पहुँचने में 20 से 25 दिन लगते हैं बाय रोड। आज विद इन 48 आवर्स, चाहे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, नेवी कैसे पहुंचती है, कमांडो से पहुंचती है। और एक टनल आपने सुना है, अटल टनल बनी है, उससे पहले क्या होता था पता है आपको? एक बार बर्फ गिर गई तो वहां पे चाहे कोई भी कंट्री अटैक कर दे, कोई भी नहीं जा सकता वहां पे। अराउंड द कॉर्नर किसी की हिम्मत नहीं है जो भारत के अंदर एक कदम रख के दिखा दे। मैं एक एस्ट्रोलॉजी बोल रहा हूँ, मैं अगर डिफेंस के बारे में अगर कोई भी पार्टी मेरे से मुकाबला करना चाहती है, जो भी काम हुआ है सरकार में, मैं उनकी बढ़ाई नहीं कर रहा, डिफेंस के मामले में 1-to-1 आ जाओ मेरे साथ, अभी धजिया उड़ा दूंगा मैं, बोलूंगा 1-by-1 आ जाओ, 1-by-1। देखिए लोकसभा चुनावों की आहट तो आप सुन ही रहे होंगे, जनता भरती हुई हुंकार भी नजर आ रही है। बोल भारत बोल का आज का कार्यक्रम हम लोग यही खत्म करते हैं। आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और बोल भारत बोल को भी ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। जय हिंद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।